नमस्कार मित्रों, हम आपके लिए 50 कंप्यूटर क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। आप यदि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी कंप्यूटर का एग्जाम हो तो उसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी। इससे आपके जो क्वेश्चन आंसर आप तैयारी कर रहे हैं उसका टेस्ट भी हो जाएगा। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करें और राइट साइड में बेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें। जैसे सब्सक्राइब करेंगे ये ग्रे कलर में बदल जाएगा और उसके बाद में बेल दिखाई देगा। यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया हो तो हम आपसे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। पहला है विंडो, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और चौथा है कीबोर्ड। इसका आंसर आएगा ए, विंडोज। अगला प्रश्न है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ। इसका पहला है द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा है द रजिस्टर्स, तीसरा है द कंट्रोल यूनिट और चौथा है ऑल द अबव। इसका आंसर आएगा ऑल द अबव। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज नॉट यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहला है पंच कार्ड, दूसरा है मैग्नेटिक कोर, तीसरा है वैक्यूम ट्यूब्स और चौथा है ऑल द अबो। इसका आंसर आएगा बी, मैग्नेटिक कोर। अगला प्रश्न है 4, द कंप्यूटर कीबोर्ड इन इंग्लिश नॉर्मली यूज। इसमें पहला है ABCD, दूसरा है क्वाड और तीसरा है ASDFG या नन। इसका आंसर आएगा क्वाट बेस बी। अगला प्रश्न है 5, निम्न दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें पहला है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, दूसरा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, तीसरा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, चौथा है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसका आंसर आएगा बी, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। अगला प्रश्न है 6, 1 trillion ऑफ ए सेकेंड इज। पहला है मिनट, तीसरा है माइक्रोसेकंड माइक्रोसाउंड और अगला है पिको सेकंड और चौथा है मिले सेकंड। इसका आंसर आएगा पिको सेकंड। अगला प्रश्न है 7, द इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेकंड सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। पहला है मेमोरी यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, तीसरा है इनपुट यूनिट, चौथा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका आंसर आएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU D। अगला प्रश्न है इंटीग्रेटेड सर्किट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। इसमें पहला है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, दूसरा है टाइप ऑफ कंप्यूटर, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, चौथा है नन ऑफ द अबो। इसका आंसर आएगा ए, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अगला प्रश्न है द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज। इसमें पहला है ए यानी 2, दूसरा है 8, तीसरा है 10 और चौथा है 16। इसका आंसर आएगा डी, 16। अगला प्रश्न है 10, टू रिकॉल ऑल द डिटेक्टेड रिकॉर्ड्स विच कमांड कैन बी यूज्ड। पहला है रिकॉल, दूसरा है रिकॉल ऑल, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है नन ऑफ द अबो। इसका आंसर आएगा बी, रिकॉल ऑल। अगला प्रश्न 11, वाज द प्रेकुशर टू इंटरनेट एज वी नाउ इट टुडे। पहला है टेलनेट, दूसरा है आर्पनेट, तीसरा है यूजनेट और चौथा है नॉन ऑफ द दिस। इसका आंसर आएगा बी, आर्पनेट। अगला प्रश्न है 12, विच स्टेटमेंट ट्रांसफर्स द पॉइंटर्स टू द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द डेटा लिस्ट। इसमें पहला है डेटा, दूसरा है रीड, तीसरा है रिस्टोर और चौथा है इनपुट। इसका आंसर आएगा सी, रिस्टोर।
अगला प्रश्न है 13, सेंडिंग एन ईमेल इज स्माइलर टू, इसमें पहला है राइटिंग ए लेटर, दूसरा है नरेटिंग ए स्टोरी, तीसरा है पिक्चरिंग एन इवेंट और चौथा है क्रिएटिंग ए ड्राइंग। इसका आंसर आएगा ए, राइटिंग ए लेटर। अगला प्रश्न है 14, मैक इज ए यूटिलिटीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च इंजन। इसका आंसर आएगा सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे अगला प्रश्न है 15, डेटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग टेलीग्राफ लाइन यूज, पहला है नैरो बैंड चैनल, दूसरा है सिंप्लेक्स लाइन, तीसरा है सी, चौथा है डायल्ड सर्विस। इसका आंसर आएगा ए, नैरो बैंड चैनल्स। अब अगला प्रश्न है, द प्रोसेसिंग ऑफ द इनपुट टू आउटपुट इज डायरेक्टेड बाय, इसमें पहला है हार्डवेयर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है सॉफ्टवेयर, चौथा है नन ऑफ दीज। इसका आंसर आएगा बी, प्रिंटर। नमस्कार मित्रों, अब अगला प्रश्न है 17, वायरस काइंड्स ऑफ यूजर्स इन SFMS आर नेमली, पहला है ऑथराइजर, दूसरा है सुपर यूजर, तीसरा है क्रिएटर एंड वेरीफायर और चौथा है ऑल द अबो। इसका आंसर आएगा ऑल द अबो। अगला प्रश्न 18, नॉर्मली सर्टिफाइड ए साइट ऑन द इंटरनेट एज ए स्क्वायर साइट्स सिक्योर साइट्स, पहला CRA, दूसरा वेरीसाइन, तीसरा है क्रिसिल और चौथा है नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा सी, क्रिसिल। अगला प्रश्न है 19, स्टेट द वैलिड कंसोल कमांड, पहला है ब्रॉडकास्ट, दूसरा है ABA लॉगिन, चौथा है तीसरा है डोस और चौथा है ऑल द अबो। इसका आंसर आएगा ऑल द अबो। नेक्स्ट प्रश्न 20, विच कमांड कैन बी यूज्ड टू कॉपी फाइल इन यूनिक्स, पहला है कॉपी, दूसरा है एन कॉपी, तीसरा है CP और चौथा है नन ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा CP। अगला प्रश्न है 21, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड, पहला सिंप्लेक्स, दूसरा है डुप्लेक्स, तीसरा है ट्रिप्लेक्स और चौथा है नन ऑफ दिस। इसमें आंसर आएगा सिंप्लेक्स। अगला प्रश्न है 22, द डिस्क प्लेस्ड फॉर द इजी रीडिंग ऑन कंप्यूटर इज, पहला है डिस्क ड्राइव, दूसरा है मॉडम, तीसरा है हार्ड ड्राइव, चौथा है USB पोर्ट। इसका आंसर आएगा सी, हार्ड ड्राइव। अगला प्रश्न है 23, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड द मेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर सेपरेट कीज एंड सेपरेट इंस्ट्रक्शंस, इसमें पहला है स्कैनर, दूसरा है सी, तीसरा है मॉडम, चौथा है कीबोर्ड। इसका आंसर आएगा सी, मॉडम। अगला प्रश्न है 24, फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मैग्नेटिक टेप, पहला है हाईली रिलायबल, दूसरा है लो कॉस्ट, तीसरा है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडियम, चौथा है कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल। इसका आंसर आएगा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडियम, सी। अगला प्रश्न 25, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेब ब्राउजर, इसमें पहला है वर्ड, दूसरा है पेंट, तीसरा है पावर पॉइंट, चौथा है फायर बॉक्स। इसका आंसर आएगा डी, फायर बॉक्स। अगला प्रश्न है 26, द कंप्यूटर इज मैकेनिकल डिवाइस नॉट ए डेटा प्रोसेसर, ए डेटा प्रोसेसर, नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा सी, ए डेटा प्रोसेसर। अगला प्रश्न है 27, डेटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड,
पहला है रिंगर्स, दूसरा है ट्रैक्स, तीसरा है राउंडर्स, चौथा है सेक्टर्स। इसका आंसर आएगा बी ट्रैक्स। ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स डेट हैव ए प्री डिफाइंड मीनिंग्स, ये प्रश्न है 28। इसका आंसर है पहला कीबोर्ड, दूसरा है फील्ड, तीसरा है डेटाबेस, चौथा है फाइल। इसका आंसर आएगा सी डेटाबेस। अगला 29 नंबर, द कंटेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर लॉस्ट आफ्टर शट डाउन द कंप्यूटर। पहला है आउटपुट, दूसरा है इनपुट, तीसरा है मेमोरी और चौथा है नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा नॉन ऑफ दिस डी। अगला प्रश्न 30, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसी। पहला है पेनफुल क्रिएशन, दूसरा है प्रोडक्शन कंप्यूटर, तीसरा है पर्सनल कंप्यूटर और चौथा है प्रोसेस कंट्रोल। तो इसका आंसर आएगा सी पर्सनल कंप्यूटर। अब अगला प्रश्न है 31, हु प्रोबली हैज लास्ट टेक्निकल नॉलेज। पहला है सिस्टम अलाइंस्ड, दूसरा है प्रोग्रामर्स, तीसरा है कंप्यूटर प्रोफेशनल और चौथा है यूजर। इसका आंसर आएगा डी यूजर। अगला प्रश्न है 32, एन ऑटोमेटिक मशीन डेट इज मेड टॉपर फ्रॉम राउटिन ह्यूमन टास्क इज। पहला है टंकेर, दूसरा है रोबोट, तीसरा है कंप्यूटर और चौथा है नन ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा बी रोबोट। क्वेश्चन नंबर 33, शॉर्टकट डिलीट इज फॉर पास्ट समथिंग, अंडू समथिंग, डिलीट समथिंग, नन ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा सी डिलीट समथिंग। अगला प्रश्न है 34, ए मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग वर्चुअल मेमोरी इज। पहला है पेजिंग, दूसरा है फ्रैगमेंटेशन, तीसरा है डिफ्रैगमेंटेशन, चौथा है सेगमेंटेशन। इसका आंसर आएगा डी सेगमेंटेशन। प्रश्न नंबर 35, द कीबोर्ड एंड माउस ऑफ ए कंप्यूटर आर द मोस्ट कॉमनली यूज। पहला है प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है आउटपुट यूनिट, तीसरा है इनपुट यूनिट, चौथा है नन ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा डी नन ऑफ दिस। अगला प्रश्न है 36, कंपेयरिंग विथ सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज इज। पहला है स्लो एंड इनएक्सपेंसिव, दूसरा है फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव, चौथा है स्लो एंड एक्सपेंसिव और चौथा है फास्ट एंड एक्सपेंसिव। इसका आंसर आएगा फास्ट एंड एक्सपेंसिव डी। फ्लोइंग इज नॉट ए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। पहला है लेजर प्रिंटर, दूसरा है थर्मल प्रिंटर, तीसरा है डोरमेटिक्स प्रिंटर, चौथा है इंकजेट प्रिंटर। इसका आंसर आएगा सी डोरमेटिक्स प्रिंटर। अगला प्रश्न है 38, द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला है सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, दूसरा है कमांड सिस्टम, तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है कैड कैम सिस्टम। इसका आंसर आएगा डी कैड कैम सिस्टम। अगला प्रश्न है 39, प्रोग्राम प्रोमिस्ड बाय पब्लिशर बट नेवर रिलीज्ड। पहला है शेयरवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है विप्रोवेयर और चौथा है माइंडवेयर। इसका आंसर आएगा सी विप्रोवेयर। अगला प्रश्न है 40, विच ऑफ द फ्लोइंग इज वाइडली यूज इन एकेडमिक टेस्टिंग। पहला है पॉज, दूसरा है ओसीआर, तीसरा है एमआईसीआर, चौथा है ओएमआर। इसका आंसर आएगा ओ एम आर डी। अगला प्रश्न है 41, ए फाइल कंटेनिंग रिलेटिवली परमानेंट डेटा इज। पहला है ट्रांजेक्शन फाइल, दूसरा है रेंडम फाइल, तीसरा है सिक्वेंटियल फाइल,
चौथा है मास्टर फाइल, इसका आंसर आएगा डी मास्टर फाइल। अगला प्रश्न है 42, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर 01001 इज, पहला है 11, दूसरा है 12, तीसरा है 22 और चौथा है 51। तो इसका आंसर आएगा 11 यानी ए। स्टोरेज मीडियम दैट रिटेन्स इट्स कंटेंट्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ पावर इज रिफेल्ड एज, क्वेश्चन नंबर है 43। इसमें पहला है वोलाटाइल स्टोरेज, दूसरा है नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, तीसरा है प्राइमरी स्टोरेज, चौथा है सेकेंडरी स्टोरेज। इसमें आंसर आएगा बी नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। 44, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी जीरोज एंड वंस आर कॉल्ड, इसमें पहला है ऑन एंड ऑफ, दूसरा है बाइट्स, तीसरा है बिट्स, चौथा है बाइनरी डिजिट्स। इसका आंसर आएगा सी बिट्स। क्वेश्चन नंबर 45, स्टेट द करेक्ट एक्सटर्नल कमांड, पहला है chkdsk.exe, दूसरा है attrib.asc, तीसरा है restore.exe और चौथा है backup.exe। इसका आंसर आएगा chkdsk.exe यानी ए। 46, क्वेश्चन नंबर, ए क्लास कैन इनहेरिट, पहला है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन, तीसरा है पैरेलल लाइन और चौथा है ऑल द अबोव। इसका आंसर आएगा बी ऑफलाइन। अगला प्रश्न है, ए डिवाइस और सिस्टम नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू इज, पहला है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन, तीसरा है पैरेलल लाइन, चौथा है ऑल द अबोव। इसका आंसर आएगा बी पैरेलल लाइन। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर, ए क्लास कैन इनहेरिट, पहला है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन, तीसरा है पैरेलल लाइन और चौथा है ऑल द अबोव। इसका आंसर आएगा बी ऑफलाइन। मोड ऑफ एक्सेस इज, पहला है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा है मैग्नेटिक टेप, तीसरा है ऑप्टिकल डिस्क और चौथा है नन ऑफ द दिस। इसका आंसर आएगा बी मैग्नेटिक टेप। अगला प्रश्न है 49, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर लाइकली टू एग्जिबिट, पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है एडवांस पैरेलल, तीसरा है प्रोसेसिंग, चौथा है हॉरिस्टिक बिहेवियर और चौथा है ऑल ऑफ द अबोव। इसका आंसर आएगा डी ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फ्लोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, इसमें पहला है लैपटॉप, दूसरा है पर्सनल कंप्यूटर, तीसरा है सुपर कंप्यूटर, चौथा है नोटबुक्स। इसका आंसर आएगा सी सुपर कंप्यूटर्स। इस प्रकार हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। आगे और भी क्वेश्चन हम बना रहे हैं जो मोस्ट, जो हर एग्जाम में आए, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो या किसी प्रकार का कंप्यूटर का एग्जाम हो। वो आए और आपके नंबर बढ़ने में आपको सहायता मिले, उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए हम फिर वापस रिपीट कर रहे हैं, नीचे बॉटम में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे राइट साइड में बेल का चिन्ह दिखाई देगा, बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, आगे हम कंप्यूटर जो भी वीडियोज़ बनाएंगे वो आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।